तो क्लास टेंथ के चैप्टर टू को हम देख रहे हैं अभी। इसमें लेक्चर नंबर वन हम लेंगे एसिड बेस ऑन सॉल्ट के बारे में। एसिड जो है नेचुरल लाइफ में अपन बहुत सारे एसिड के एग्जांपल देते हैं, जैसे साइट्रस जो फूड होते हैं ये थोड़े से एसिडिक होते हैं, नेचर में खट्टे लगते हैं, सिंपल। दे आर सोर इन टेस्ट, और अगर हमें इनको टेस्ट करना हो तो हम कहेंगे कि लिटमस पेपर एक ऐसी चीज होती है विच कैन आइडेंटिफाई वेदर एसिड और बेस इज प्रेजेंट। सो व्हाट हैपेंड, द ब्लू कलर ऑफ लिटमस चेंजेस इनटू रेड कलर। व्हाट इज लिटमस? लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर हम उसको बोलते हैं कि सब्सटेंस विच कैन चेंज कलर ड्यूरिंग ए रिएक्शन। तो रिएक्शन के दौरान अगर ये कोई कलर चेंज कर सकता हुआ ऐसा कंपाउंड हो तो हम उसको इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नेचुरल कंपाउंड से बनाया जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। एक और इंडिकेटर है हमारे पास टर्मरिक, विच इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। डेली लाइफ में जो है वो हम देखते हैं कि जैसे किसी कपड़े पर हल्दी वगैरह के दाग लग जाए, ठीक है, अगर हम उसको सोप से रब करें तो वहां पे रेडिश कलर अपीयर हो जाता है, और पूरा वॉश कर ले तो फाइनली ये जो है वापस वो जो स्पॉट होगा वो येलो कलर का हो जाएगा। तो एक तरह से अगर अपन सोप जो होता है, सोप इज ए बेसिक सॉल्यूशन, सोप इज ए बेसिक इन नेचर। तो टर्मरिक पे लगा हुआ कोई दाग है, वहां साबुन हमने लगाया तो इट बिकम्स रेड इन कलर। तो ये नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। जो लिटमस पेपर बनाया जाता है वो लिटमस सॉल्यूशन से बनाया जाता है, एंड द लिटमस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय ए प्लांट कॉल्ड एज लीचेन प्लांट। सो द लीचेन प्लांट, द एक्सट्रैक्ट ऑफ लीचेन प्लांट इज डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज लिटमस सॉल्यूशन। और इसको हम एक पेपर पे कोट कर देंगे। लिटमस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, एक हम पेपर पे कोट कर देंगे, दैट पेपर इज कॉल्ड एज लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर जब न्यूट्रल कंडीशन में होता है, जब एसिड और बेस ना हो, तो इट इज दिस सॉल्यूशन इज पर्पल इन कलर। अब हम बात करते हैं अनादर नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर की। ये तो आप समझ चुके हैं कि एसिड और बेस रिएक्शन यदि होगी तो उसमें कलर चेंज हो करने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, इंडिकेटर। और हम देख रहे हैं इसमें नेचुरल इंडिकेटर। तो उसके एग्जाम्पल है रेड केबेज लीव्स इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक जैसा हमने बोला, कुछ फ्लावर्स के लीफ होते हैं वो भी इंडिकेटर का काम करते हैं, हाइड्रेजीनिया, ठीक है, पेटूनिया एंड जीरेनियम, ठीक है। सो दीज प्लांट कैन एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर एंड दे आर फाउंड इन नेचर। अब कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं एसिड के, जैसे पहला एग्जांपल है HCl एसिड, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इज कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रोआयोडिक एसिड, एंड HClO4 इज ए परक्लोरिक एसिड। तो ये जो है एसिड के एग्जांपल है, ठीक है। एसिड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। बेस के एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब अपन आते हैं कि HCl डिसोसिएट्स इनटू H+ एंड Cl-, दिस H+ इज कॉल्ड एज प्रोटोन। नाउ द प्रोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर हम HCl का सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो HCl विल आयोनाइज इनटू H+ एंड Cl-, बट H+ कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सो इमीडिएटली रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म H3O+ आयन। दिस H3O+ आयन इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। सो वी कैन डिफाइन द एसिड विच कैन डोनेट H+ और विच कैन डोनेट H3O+ हाइड्रोनियम आयन। सिमिलरली हाउ बेस इज आइडेंटिफाइड, द बेस व्हेन डिसोसिएट्स विच विल गिव OH- इन सॉल्यूशन, एंड दिस OH- कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल आयन।
तो H प्लस देने वाला एसिड और OH माइनस देने वाला बेस कहलाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। सो ए पॉपुलर एग्जांपल इज दैट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद जिंक मेटल इट विल प्रोड्यूस ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। सो इन दिस केस द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक विल टेक प्लेस। जिंक विल ZnSO4 गिव्स Zn+2 प्लस SO4-2। नाउ यू कैन सी जिंक इज इन जीरो स्टेट इट कन्वर्ट्स इनटू +2। अगर कोई एलिमेंट जीरो से +2 जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, उसने पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, और इलेक्ट्रॉन यदि लूज करेगा तो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। हम कह सकते हैं जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक चलिए यहां आते हैं हम H2SO4 यदि टूटता है तो H2SO4 में आयन है H+SO4-2। ठीक तो होगा क्या कि दिस H+ इज कन्वर्टेड इनटू H2। H2 में हाइड्रोजन जीरो स्टेट में है और H+ में हाइड्रोजन +1 स्टेट में। यदि कोई एलिमेंट +1 से जीरो में जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कम करने का तरीका है इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किए जाए, और इलेक्ट्रॉन यदि ऐड होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि H+ इज रिड्यूस्ड। तो यहां दोनों रिएक्शन होती है इसलिए ये रिएक्शन जो है एग्जाम्पल कहलाएगी रिडोक्स का। तो रिडोक्स रिएक्शन क्या हो रही है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, कि H2SO4 एसिड और जिंक मिलाया जाए तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिंक इज रिप्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो हम इस रिएक्शन को क्या नाम दे सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो समराइज यदि हम करें तो व्हाट हैपन्स, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस, सो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो मोस्टली एसिड और मेटल के रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब इसी जिंक की रिएक्शन मेटल की रिएक्शन में करवा रहा हूं बेस के साथ, NaOH के साथ। तो ये मेटल बेस से रिएक्शन कर लेगा और ये बना लेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 अलोंग विद हाइड्रोजन गैस विच इज लिबरेटेड। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि जिंक ऐसा मेटल है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर रहा है। यदि कोई मेटल एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे तो दैट मेटल इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक मेटल। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एम्फोटेरिक मेटल, रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस। एंड व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक मेटल्स, जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, टिन एंड लेड। सो ऑल दीज मटेरियल मेटल कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज कैन विद बेस। तो मैं यहीं पे दूसरे एग्जांपल लिख रहा हूं कि एल्यूमिनियम सिंस इट इज एम्फोटेरिक मेटल इट कैन रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म HCl3 एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। सिमिलरली दिस एल्यूमिनियम मेटल कैन रिएक्ट विद NaOH बेस मेकिंग NaAlO2 विच इज कॉल्ड एज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। सिमिलरली बेरिलियम कैन रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म BCl2 एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। बेरिलियम कैन रिएक्ट विद NaOH बेस एंड सोडियम बेरिलेट Na2BeO2 अलोंग विद हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। सो दीज आर द एग्जाम्पल की हाउ मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स। एसिड हमें पता है कि एसिड में होता है H+ एंड कार्बोनेट मीन्स CO3-2, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनेट आयन। सो व्हाट विल हैपन व्हेन H+ इज एडेड इन कार्बोनेट आयन, यहां चार्ज +1 है और यहां चार्ज -2 है। सो 2H+ विल कंबाइन टू फॉर्म H2CO3 कंपाउंड एंड इट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल, सो व्हाट हैपन्स, इट इमीडिएटली ब्रेक्स इनटू वाटर प्लस CO2 गैस इज लिबरेटेड। सो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, द नेम ऑफ दिस इज Na+ मीन्स सोडियम, CO3 मीन्स कार्बोनेट। तो HCl रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट, HCl विल गिव H+ एंड सोडियम कार्बोनेट विल गिव कार्बोनेट आयन।
Na plus and Cl minus will form NaCl salt, and H plus and carbonate ion will form H2CO3, which will dissociate to give CO2 gas. Now the CO2 gas is colorless and odorless. हमारे आसपास एनवायरमेंट में CO2 गैस है, पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इसको. तो ना तो इसका कोई कलर होता है, ना इसमें कोई ऑर्डर होता है. तो ना तो हम इसको सूंघ के पहचान सकते हैं, ना देख के पहचान सकते हैं. ठीक है, तो एक जनरल स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट को मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकता हूं, तो इन दोनों में से कोई भी यदि एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो द एंड प्रोडक्ट इज सॉल्ट विद CO2 गैस एंड वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड. द सेम एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, बाइकार्बोनेट आयन इज, व्हाट इज बाइकार्बोनेट आयन? द बाइकार्बोनेट आयन इज HCO3 माइनस, एंड दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन कार्बोनेट. दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रेक्स, Na डिसोशिएट इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस and bicarbonate in the form of HCO3 minus ion. If I add HCl acid in this, H will dissociate H plus, so H plus will attack our HCO3 minus, forming H2CO3 unstable compound, which will break into H2O plus CO2 gas is liberated, and Cl minus goes with Na plus to forming salt NaCl. So the conclusion is same. Either sodium carbonate or sodium bicarbonate, both can react with acid and they will form initially H2CO3 carbonic acid, which later gives CO2 gas. So CO2 gas is liberated when on the carbonate or bicarbonate acid is added. Now the CO2 gas is liberated. CO2 gas is acidic in nature. If I pass this CO2 gas through calcium hydroxide solution, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस. ओके, एंड हाउ इट इज मेड? कि CaO क्विक लाइम इज एडेड इन वाटर एंड इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म है बेस कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. व्हेन CO2 इज पास थ्रू CaOH2, ए वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3 इज फॉर्म्ड, कैल्शियम कार्बोनेट. सो इफ आई राइट द रिएक्शन, CO2 एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस and both will react to form a salt. Salt is calcium carbonate along with H2O water. So as we know that acid and base neutralize each other, forming a salt and with water, along with water, so is the perfect example of acid-base reaction. Now, in this calcium carbonate precipitate, if I further pass CO2 gas, now we are taking CO2 gas in excess amount. CO2 gas we are taking in excess. Further CO2 gas is passed through this solution where the white precipitate of calcium carbonate was obtained. What will happen? It will further react with calcium carbonate and forming calcium bicarbonate ion compound. And this is soluble in water. So I have written aqueous down the salt. And solution again becomes colorless, because this compound is colorless. So this is better way to test this CO2 gas. As CO2 gas is colorless, it is odorless, we cannot identify ki during the reaction CO2 gas is evolved or not. So for the testing of CO2, we will pass this CO2 through a solution where calcium hydroxide is already present. Acid-base reaction will take place and white precipitate of calcium carbonate is formed. Now, again, to confirm this reaction, we will pass CO2 gas in excess amount. So what happens? Ki this CO2 will convert this calcium carbonate into calcium bicarbonate soluble salt in the solution, and again solution becomes colorless. So this is a very good testing of the CO2 gas through calcium hydroxide, jisko hum lime water bhi bol sakte hain.